आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के किनारे बसा छोटा सा नगर अमरावती सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने सीने से लगाए वैसे ही सांसें ले रहा है जैसे कृष्णा की पावन जलधारा। पारंपरिक देवताओं में पूर्ण विश्वास के साथ ही धार्मिक मान्यताओं और अनुष्ठान में आस्था आज भी पूर्णतया जीवित है। बच्चे आरंभ से ही त्योहारों के आने की सांस रोककर प्रतीक्षा करते हैं जो उनके जीवन में एक नया अर्थ भर देते हैं, जैसे पितृहीन सांबड़ू के जीवन में गणेश जी के त्योहार ने भर दिया था एक नया रंग, एक नया उत्साह। पार्वती, पूजा की तैयारी हो रही है, जल्दी आ जाओ। आ रही हो ना? चल ना माँ, मालकिन आवाज दे रही है, तो इतनी देर क्यों कर रही है? पूजा शुरू हो जाएगी तो। चल रही हूँ ना बेटा, मुझे पता है आज तेरी विनायक चौथी है। साल में एक ही बार तो ये त्योहार आता है, मुझे गणेश जी और उनकी पूजा बहुत अच्छी लगती है। चल, मुझे पता है तुझे गणेश जी पर कितनी श्रद्धा है। अरे सामड़ो, माँ सामड़ो आ गया। आ गया? इतनी देर से क्यों आए? तुझको तो गणेश जी की पूजा में बहुत मन करता है ना? चल चल, पूजा शुरू होने वाली है। अरे रुको रुको, देखो तो गणेश जी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये ले पार्वती, ये तुम्हारे लिए साड़ी। शुक्रिया मिर्जा। बेटा जा, तो जल्दी से कपड़े बदल दे, तो जल्दी से आ जा। पार्वती चलो मेरी मदद करो। जी। ओम शुक्लाम वरदरम विष्णुम शशवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। ओम अगजानन पद्मार्कम गजानन महार्निशम अनेक दंतम भक्तानाम एक दंतम उपास्मये श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। अपवित्र पवित्रो वा सर्वासांग पिवा या सुरेद पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर सुचे। ओम आपो विष्णमो भुवस्तान ऊर्जा ददातना महेरना चक्षुषे योस्योतमरस्य स बाजायते नः उषतेरि मात्रा तस्मारं मम ओस्याक्षायनुदा आपोजनायताचन नदीनां चर्व सर्वसामनत्वनिर्मोषणां श्रीगुदेशमादत्त श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। शुद्धोघस्नानं समर्पयामि। ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतधारणं समर्पयामि। ओं गन्धद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशिनीं ईश्वरिंगं सर्वभूतानां तामिवोपवेश्रीं श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। गन्धं समर्पयामि। गन्धानन्दमारिद्रचूर्णं कुङ्कुमलेपनं समर्पयामि। ओम आयनेति पारायणे दुर्वान्तपुष्णी अद्राक्षपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहे श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। अलङ्कारानन्तरम् अक्षतां समर्पयामि। ओं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तप्रयच्छति तदहं भक्तप्रदुतहम् अश्नामि प्रयतात्मनः श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पानन्तरं ध्रुवं समर्पयामि। ओम गणाधिपाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाधक्षाय नमः। ओम पालचंद्राय नमः। ओम गजानाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम दशांगम कग्लोपेतम सुकुंदर सुनरम धूपं गुरुनदेव सर्वदेनवस्कृता श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। धूपमाग्रापयामि। ओम कृतावृतसमाप्तमहंतं प्रेम दीपं गुरुनदेवेश त्रैलोक्यमुरापं श्रीमा गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि। दीपधूपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओं भूर्भुवस्सोम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सत्यं तवर्तु प्रशंस्यामि अमृतमस्मृतौ श्रीमः गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। महानैवेद्य निवेदनं समर्पयामि। श्वास बंद कर ऐसा हाथ लग के लग। ओं प्राणसोम पानसव्यानसुदान समानसो ब्रह्मणे स्व मध्य मध्य पानी मूत्र पोषण समर्पयामि। हस्तप्रक्षालां पादप्रक्षालां शुद्धाचमनं समर्पयामि। मुक्ताचूर्णं समायक्तं ताम्बूलं प्रद्युतां श्रीमः गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। दक्षिणताम्बूलं समर्पयामि। आरती करके अपना पूजा समाप्ति करें। Hey!
गणेश जी अगले साल मेरे घर आइएगा, मैं सब इंतजाम करके रखूंगा, आपकी पूजा मैं करूंगा, बहुत अच्छे से मैं करूंगा। गणेश जी की पूजा के लिए मालकिन के वहाँ गया था ना, उन्होंने ही दिया है। बहुत अच्छा है। अगले साल गणेश जी की पूजा मैं अपने घर में करूँगा, तू आना जरूर। आएंगी ना? हाँ जरूर आऊंगी। लोगों के लिए गणेश जी की पूजा हो गई, गणेश जी का प्रसाद भी मिल गया। आरती और विसर्जन के अनुष्ठान के साथ ही गणेश जी को उनके घर भेज दिया गया। मगर सामड़ू के लिए तो गणेश जी उसके दिलो दिमाग में ही बस कर रह गए। तुम इतने उदास क्यों? ना मैं। अरे बताओ ना क्या हुआ? गणेश जी की इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति को पानी में बहाते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा। बेटी, जीवन के इसी सत्य को समझने के लिए विसर्जन का अनुष्ठान किया जाता है। माने? माने गणेश जी की मूर्ति मिट्टी पानी हवा इन्हीं पांच तत्वों से बनती है, और पूजा के बाद मूर्ति के इन्हीं पांच तत्वों को हम उन्हीं में वापस कर देते हैं। जन्म लेना जैसे एक सत्य है, वैसे ही यहाँ से चले जाना ये भी एक सत्य है। पर ये सब चतुर्थी के दिन ही क्यों होता है? बाबा उनका जन्म भी चतुर्थी के दिन ही हुआ था ना। वो चतुर्थी का दिन ही था जब माँ पार्वती ने अपने उपटन से इनकी मूर्ति बनाई थी, और उसी दिन शिव जी का इस बच्चे के साथ विकट संघर्ष हुआ था और गुस्से में आकर शिव जी ने उसका सर काट दिया था। फिर माँ पार्वती के विलाप से घबराकर शिव जी ने गजासुर का सर काट कर इन्हीं के शरीर पे लगा दिया, और ये बात भी चतुर्थी के दिन ही हुई थी। जब देवताओं को सेनापति की जरूरत आन पड़ी तो शिव जी दुविधा में पड़ गए कि अब गणेश जी को बनाया जाए या कार्तिकेय जी को। पर कार्तिकेय जी तो गणेश जी के बड़े भाई है ना। इसीलिए तो शिव जी दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला और कहा कि दोनों में से जो पहले पृथ्वी के साथ परिक्रमा करेगा। परिक्रमा माने? यानी चक्कर। मंदिर के परिक्रमा करते हुए लोगों को आपने देखा है कि नहीं? हाँ, हम सभी करते हैं। तो शर्त यही थी कि दोनों में से पहले जो पृथ्वी की सात परिक्रमा करेगा उसे देवताओं का सेनापति बना दिया जाएगा। फिर दोनों माता पिता को प्रणाम करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन पर बैठकर देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। लेकिन गणेश जी का वाहन क्या था जानते हो? चूहा। तो जैसे ही कार्तिकेय जी आंखों से ओझल हो गए, गणेश जी सोचने लगे कि मैं अगर चूहे पे बैठकर जाऊं तो जीतूंगा नहीं, तो क्या करें। फिर उनको माता पिता की बताई हुई एक बात याद आ गई कि माता पिता पृथ्वी तुल्य है। बस फिर क्या है, गणेश जी वापिस आ गए और झट से अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे, और उन्होंने देखते ही देखते सात परिक्रमा पूरी कर ली। और इतने में कार्तिकेय जी वापिस आ गए। फूलों से लदे हुए गणेश जी को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गणेश जी ने परिक्रमा पूरी कर ली है। फिर जांचने के लिए कार्तिकेय जी फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। वो जहां जहां गए वहां उन्होंने चूहे के पैरों के निशान देखे और फिर वो हार मान गए। गणेश जी को सेनापति चतुर्थी के दिन ही बनाया गया था ना। सेनापति गणपति, इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन को महत्वपूर्ण माना गया। समझ गई? हाँ समझ गई। फिर तो अगले साल गणेश जी की पूजा धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वो तो साल भर गणेश जी की छवि और उनकी पूजा की हर विधि को अपनी आंखों में बसाए दिन गिनता रहा।
माँ, अगर मैं गणेश जी की पूजा करूंगा तो उसमें बहुत खर्चा होएगा ना? वो तो होगा बेटे, पूजा के लिए फूल, पत्ते, प्रसाद, पूजा का सामान सब चाहिए तो खर्चा तो होगा ना? गणेश जी सारी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, इसलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, जो अपने भक्तों के विघ्न यानी मुसीबतों का हरण करते हैं। फिर तो मेरी मुसीबत को दूर कर देंगे। तुम जो खाने के लिए अदरनी देती हो उसे मैं गणेश जी के लिए जमा करके रखूंगा। महीने में एक अदरनी मतलब 12 महीने में। अब बता 4 महीना, महीने में एक अदरनी तो 8 महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो सिर्फ 6 है, 8 होना चाहिए था ना? हाँ, उस महीने में माँ की तबीयत खराब हो गई थी। गणेश जी अब माँ को बीमार मत बनाइएगा, वरना पूरा पैसा नहीं जमा हो सकेगा। गणेश जी, मैं आपकी मूर्ति के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। माँ जो खाने के लिए देती है उनमें से आधा रोज मैं जमा कर रहा हूँ। लेकिन गणेश जी, माँ ने कहा है कि आपने मेरे बाबा को अपने पास बुला लिया। ऐसा क्यों किया गणेश जी? अगर वो आपके पास है तो उन्हें भी एक दिन के लिए भेज दीजिए। अरे ये क्या, तू तो अब गणेश जी से बातें भी कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हुआ, मैं तो गणेश जी से आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। चल मेरे साथ, पाठशाला के लिए देर हो रही है। बच्चों बताइए, गणेश जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को, इसलिए चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं। अब मुझे बताइए, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? मैं बताता हूं, महाभारत लिखते समय व्यास जी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी विचार की गति से महाभारत की कहानी को लिपिबद्ध कर सके, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी का नाम सुझाया। गणेश जी कहानी लिखने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वे बीच में रुकेंगे नहीं। तो व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी बिना समझे लिखेंगे नहीं। गणेश जी ने लिखते वक्त अपना एक दांत तोड़कर उसकी कलम बनाई, तो इसलिए उनके पास एक ही दांत रह गया। तब से हम गणेश जी को एक दंतेश्वर के नाम से भी जानते हैं। अब मुझे बताइए कि गणेश जी को खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? इसका नाम है उंडराड़ू, यानी कि चावल और दाल को एक साथ मिलाकर लड्डू के जैसा पीठ बनाया जाता है, जो गणेश जी को बहुत ही पसंद है। इसी प्रकार बच्चों, हम गणेश जी को अलग अलग पत्तियों से, फूलों से उनकी पूजा करते हैं, जैसे मंदार, शमी, दूर्वा इत्यादि, जो आप भी जमा करते हो हर समय गणेश चतुर्थी के दिन, है कि नहीं? माँ माँ, गणेश चतुर्थी कब है? कितनी बार पूछेगा बेटा, 15 दिन बाद। अब सोचा, और एक साल बीत ही गया। सांडू, तुम इतने सारे फूल क्यों चुग रहे हो? गणेश जी की पूजा है ना, इसलिए मैं फूल जमा कर रही। कितने बड़े फूल हैं और कितने अच्छे हैं। हाँ, सफेद वाले कितने खूबसूरत हैं। हाँ, हम गणेश जी की मूर्ति बहुत अच्छे सजाएंगे। हाँ, वो निकालो, वो लाल वाला।
अब हमने बहुत सारे फूल चुन लिए, चलो पत्ते चुन। ओहो, पूजा की तैयारी कर रही है। ये क्या कर रखा है तूने? यहाँ से भी लो। चलो जल्दी वो पाट ला ला। कौन सा पाट? वो वाला ला, मैं रख देता। चलो अब पूजा की सारी तैयारी हो गई, मैं मूर्ति का बंदोबस्त करता हूँ। मैं भी आऊँ? तुम आऊंगी तो घर में काम कौन करेगा? कहाँ भागी जा रहा है तू? हाँ, और ये क्या छुपा रहता है तू? चोरी का माल है क्या? नहीं नहीं, ये चोरी का माल नहीं है। फिर? ये गणेश जी का पैसा है। अच्छा, गणेश जी का पैसा है। मैंने अभी तक तो गणेश जी का पैसा देखा ही नहीं है, दिखा कैसा होता है? ये पैसा मैंने पूजा के लिए 12 महीने में जमा करके रखा है। तब तो तूने खजाना बना लिया होगा, दिखा कितना है, दिखा। नहीं नहीं, ये गणेश जी का है। गणेश जी का है? अरे असली गणेश जी तो मैं हूँ रे। चलो एक पैकेट सिगरेट का तो इंतजाम हो गया। अरे भागे। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। क्या बैठो बैठो, अब बोलो क्या है? मुझे एक मूर्ति चाहिए। पैसे है तुम्हारे पास? हाँ। कितने पैसे है? एक मूर्ति कितने में आएंगी? वो सबसे छोटी मूर्ति 8 आने में आएगी। क्या हुआ? मेरे पास सिर्फ 5 आने हैं। मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें पैसा दूंगा। लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं। जैसे जैसे मैं कहता जाऊंगा वैसे वैसे तुम कर लो। ठीक ठीक है, चलो आओ आओ। बैठो। चलो अब सिर्फ 2 ही मूर्ति बच गई, एक तुम ले लो और एक मैं। लेकिन काका पैसे? पैसे नहीं बेटा, ये पैसों से तुम पूजा का सामान खरीद लो।
हाँ? इनमें से मैं कौन सी मूर्ति लेकर जाऊं? तुम हाँ, ये बड़ी वाली मूर्ति तुम लेके जाओ। जय गणेश। लीजिए गणेश जी, आपका सिंहासन तो सजा दिया है। बैठ जाइए। मैंने आपके लिए फूल पानी का भी बंदोबस्त करके रखा है। तो यही बैठ, मैं नदी से नहा के आता। जल्दी आ। सांबडू के पास नहीं था पैसा कि पंडित को बुलाकर गणेश जी की पूजा करवाता। इसीलिए मालकिन के घर से आते ब्राह्मण के निर्देश की आवाज पर उसने गणेश जी की पूजा संपन्न की। सर्व विघ्नोपशान्तये ओम अगजानन पद्मार्कम गजानन महार्निशम अनेक दंतम भक्तानाम एक दंतम उपास्मये श्री महा गणाधिपति देवताभ्यो नमः। अब ये फूल लेके गणेश महाराज के ऊपर पानी छिटकना है। ओम आपोष्णमो भुवस्तान ऊर्जा ददातना महेरना चक्षुषे तोस्य उत्तमरस्य सभाजायते नः। अभी गणेश महाराज को गंध लगाना है। ओम गंधद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशिनीं ईश्वरिंगं सर्वभूतानां तामिवोपवेश्रीं श्री महा गणाधिपति देवताभ्यो नमः। गंधं समर्पयामि गंधानंद्रमारिद्रचूर्णं कुंकुमलेपनं समर्पयामि। अभी गणेश महाराज को हार अर्पण करना है, हार पहनाना है। ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयच्छति तदहं भक्त प्रदत्तं अश्नामि प्रयतात्मनः श्रीमा गणाधिपति देवताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। अभी गणेश महाराज का ऊपर दुर्वा लगाना। पुष्पानंतरं दुर्वं समर्पयामि। एक एक फूल एक एक पत्री लेके भगवान का चरणों में रखना है। ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः षोडश नाम पूजां समर्पयामि। नमस्कार करो, धूप दिखाना है। ओम दशांगम का ग्लोपेतम सुगंध सुनोरम धूपं गुरोने देव सर्वदेन वस्पृता श्री मां गणाधिपति देवताभ्यो नमः। धूपमाग्रापयामि। ओम कृतावर समाप्तमहतम प्रेम दीपं गुरोने देवेश त्रैलोक्यमरापं श्री मां गणाधिपति देवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि। दीपदूपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व। अभी नैवेद्यकना है। गणेश जी के नैवेद्य के लिए कुछ है क्या? पता नहीं, मैं ढूंढता हूँ। मैंने जरूर कुछ ना कुछ तो रखा होगा। गणेश जी के नैवेद्य के लिए कुछ नहीं मिला। रुक, मैं अपने घर से कुछ लेके आती हूँ। जल्दी आना। गणेश जी, आपके प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या करूं गणेश जी, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है। तू ऐसे उदास क्यों है? ये ले गणेश जी का प्रसाद, उनका पसंदीदा उंडरालू। गणेश जी, लो आपका पसंदीदा उंडरालू। अरे बेटा, ये क्या किया? गणेश जी पे चढ़ाया हुआ प्रसाद वापस गणेश जी पर नहीं चढ़ाया जाता। चढ़ाया और ना चढ़ाया, मैं फर्क क्या है माँ?
सब कुछ तो गणेश जी का ही है ना माँ। बेटा तेरी बात तो सही है, मगर मैं खा लूं गणेश जी? सब कुछ तो गणेश जी का है ना माँ। सब कुछ तो गणेश जी का है ना माँ।